बट आपको पता था कि शॉल इतनी फेमस हो जाएगी? नूरा मखदूम ने स्क्रिप्ट में भी लिखी है कि बार बार जब शॉल यूँ करता है तो मीरब को जा लगती है और इस तरह होता है उस तरह होता है, तो वो शॉल स्क्रिप्ट में रिटन थी। मुर्तसिम में चेंज आएगा ओवर द टाइम? मुर्तसिम में तो इतना चेंज आएगा कि उसकी जिंदगी बेचारे गरीब की बदल जाएगी। थप्पड़ पे आते हैं। थप्पड़ बेसिकली यमुना पे नहीं, वो मुर्तसिम के दिल पे लगा है। आपको लगता है स्क्रिप्ट थोड़ा प्रो मुर्तसिम है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। कैसे? मीरब को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जा रही और उसकी विंस भी नहीं हो रही है। आई थिंक कॉन्ट्ररी, क्योंकि बेसिकली सोफे पे तो बेचारा गरीब मुर्तसिम सो रहा है। लेकिन वो मीरब को ये क्यों कहता है कि बस ये कर लो, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देता है? यार वो मीरब है, कोई पोस्टमैन थोड़ी है। मुर्तसिम एक फ्यूडलिस्ट आदमी है और मुर्तसिम एक अपने उसूल और अपनी गद्दी और अपने कल्चर को लेके चलने वाला इंसान है। अब उसने एक चीज बता दी मीरब को कि आपने नहीं जाना, दैट्स इट। उसने आगे दूसरे काम भी देखने, अब उसको नहीं पता कि पीछे से वो निकल जाएगी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशिया मैगजीन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मीरब या मुर्तसिम किस साइड पे हैं आप? वो ड्रामा जो जैसे YouTube पे आता है 1 घंटे में 2 मिलियन प्लस व्यूज़ आ जाते हैं और हम सब वेट कर रहे होते हैं कि इस बार मुर्तसिम और मीरब टकराएंगे, दोस्ती होगी या क्या होगा। दोनों के कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं। आई फील सिंपल कैरेक्टर्स नहीं हैं, ग्रे भी हैं। तो हमने सोचा, और इतनी डिस्कशंस हो रही हैं, टीम मुर्तसिम है, टीम मीरब है, मुर्तसिम सही है, गलत है, मीरब इंडिपेंडेंट है या बदतमीज़ है। हमने कहा इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक बहुत सही पर्सनालिटी है, विच इज़ द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा सिराजुल हक साहब, और हमने आज उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। एंड लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन मीरब, मुर्तसिम एंड तेरे बिन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और हमें आप टाइम दे रहे हैं ताकि हम ये मज़े की गुफ्तगू कर सकें। थैंक यू। मैं तो पहली बात ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनको काफ़ी अरसे बाद कोई एक अच्छा ड्रामा देखने को मिला है तेरे बिन, और वो जिस तरीके से उसको लाइक कर रहे हैं, जिस तरीके से उसको पसंद कर रहे हैं, मीरब और मुर्तसिम के कैरेक्टर को और ओवरऑल स्टोरी के एम्बियंस को जी, तो रियली ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब वो यूट्यूब पे नंबर्स बढ़ना शुरू हुए, कौन सी एपिसोड थी या कब रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेगा हिट होने वाला है भैया, ये मेगा हिट हो गया है? देखें, हम ना हमारे जब टीज़र्स आए ना, तो हमारे टीज़र्स ने ही काफ़ी उस पर एक रिएक्शन आया थ्रू आउट। अब पहले शुरू में हमने टीज़र जैसे लॉन्च की है जियो टीवी ने, तो बहुत उस पर ना रिएक्शन आना शुरू हो गया, और उस पर इंडिया से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया, आप लोग से भी, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। तो उस वक्त तक एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, चलो ठीक है। फिर जब एडिट में हमने फर्स्ट एपिसोड देखा तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सेकंड देखा वो भी इंटरेस्टिंग, फिर जब हमने फर्स्ट एपिसोड जब चलाया और फर्स्ट एपिसोड ही ने जब रेटिंग उठाई तो लगा कि शायद कुछ होने वाला है। लेकिन फिर चौथी, पाँचवीं, 8वीं तक तो व्यूज़ वर गोइंग क्रेजी। या आई वाज वेटिंग, मेरा एक मैं जब भी ड्रामा करता हूँ तो देखता हूँ हुक पॉइंट कहाँ है इस कहानी में, हुक पॉइंट किधर है। तो हुक पॉइंट था एक जगह पे और फिर मैं रेडी उसके लिए वेट कर रहा था, क्योंकि उससे पहले हुक पॉइंट से पहले ऑडियंस हुक हो चुकी थी, ऑडियंस फॉलोइंग इन लव थी, ऑडियंस पीछे जा रही थी। लेकिन फिर भी एक आपको हुक पॉइंट होता है कि यार ये मेरा बाउंसर लगेगा या नहीं लगेगा। तो दैट वाज द बाउंसर ऑफ दिस वेडिंग वाला सीन, जिसमें वो उठ के चली जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। हाँ, वो पॉइंट था जी, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन वही होता है ना कि आप शुरू में एक जर्नी दिखाते हैं, दो कैरेक्टर्स आदमी जुड़ेंगे, अब क्या होगा, अब जब ये दोनों जुड़ चुके हैं तो दैट हुक पॉइंट वर्क्स एंड दैट्स। तो कुछ याद है आपको स्क्रिप्ट जब आया आपके पास, आपने पढ़ना शुरू किया, या पहली मीटिंग क्या हुई आपकी अब्दुल्ला साहब से और उन्होंने बुलाया, या स्क्रिप्ट आपको भेजा मुझे ये कहानी सारी सुननी है पीछे जाके? जब मैंने ये फर्स्ट टाइम मुझे ये स्क्रिप्ट मिली तेरे बिन की पढ़ने के लिए, तो मुझे इसके अंदर ना सबसे पहले जो फील हुआ फ्रेश वॉइस। ओके, मेरे लिए ना कोई भी स्क्रिप्ट करने के लिए फ्रेश वॉइस का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब मैंने मीरब और मुर्तसिम के सीन्स पढ़े तो मैंने कहा यार ये तो कैट एंड माउस है, मतलब ये तो होने वाला है टॉम एंड जेरी। तो उन दोनों के बीच के जो केमिस्ट्री वाले सीन थे ना वेडिंग के बाद, के कौन किस पे किस तरह सबकत हासिल करेगा और किस तरीके से मुर्तसिम को जो उससे फर्स्ट साइट लव हो गया है और उस फर्स्ट साइट लव के होते हुए भी वो किस तरह से मीरब को लेके चल रहा है, तो मैंने वो सीन ना अपने अंदर बिल्कुल बिठा दिए थे और उन्हीं सीन्स ने मुझे ड्राइव किया कि यार ये सीरियल करना है। और दूसरा उसके अंदर जो बेसिकली जो कल्चर था, जो लार्जर देन लाइफ स्क्रीन थी, वो एक मैंने बांध ली कि यार मुझे क्या लार्जर देन लाइफ स्क्रीन बनानी है, क्या कल्चर। बिकॉज इस ये स्क्रिप्ट इतना वेल रिटन स्क्रिप्ट था कि दैट कैन टेल मी इन फर्स्ट एपिसोड द वर्ड व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इट इज़, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ये दुनिया जानना कि ये लोग किस दुनिया के हैं। तो वर्ड क्या है, व्हाट द कल्चर दे हैव, इनका कल्चर क्या है, इनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इनका जो है कैरेक्टर्स का अपना आर्क क्या है, कैरेक्टर्स का अपना इमोशनल आर्क क्या है, कैरेक्टर्स की जर्नी क्या है, क्या इसमें स्टार्ट मिड एंड है कि नहीं है। आई फाइंड एवरीथिंग इन फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ। मेरे अपने सारे सवालों का मुझे जवाब मिल गया। ओके, लेट्स गो विद इट। ओके, तो वहाज और यमुना के साथ एक साथ मीटिंग हुई पहली, क्या डिस्कशन हुई या दोनों को अलग अलग बात की आपने और फिर सेट पे शूट हुआ स्टार्ट? हाँ, वहाज और यमुना के साथ हमारे काफ़ी सेशंस लगे। जब हम फोटो शूट पे आए, हमने एक साथ कुछ स्क्रिप्ट रीड्स भी की, फिर हमारे उनके साथ कैरेक्टर को लेके डीप डिस्कशंस भी हुआ कि यमुना का प्री लुक क्या होगा, शादी से पहले लुक क्या होगा, बाद में लुक क्या होगा। शादी से पहले जो आपने उसका वो सीन देखा कि वो रोड पे जाती है और वो अपनी नौकरानी के हक में खड़ी है, तो एक इस तरह की लड़की है जो किसी के भी हक में खड़ी हो जाती है, तो उसका एक किस तरह का लुक होगा। फिर शादी के बाद क्या लुक होगी। इवन वहाज को भी हमने डिफरेंट एंगल्स से भी ट्राई किया और हम उसको स्टीरियोटिपिकल एक वडेरा कैरेक्टर नहीं बनाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि इसको एक कंटेम्प्रेरी ड्रामा बनाए, कंटेम्प्रेरी आर्ट बनाए, सारे कैरेक्टर्स को कंटेम्प्रेरी रखें। गो के कल्चर है, हमने कल्चर माइंड में रखा मैंने। और ये क्योंकि वो नूरा मखदूम ने जो वर्ड लिखी कि दे बिलोंग्स टू हैदराबाद, चलो मैं भी हैदराबाद से ही बिलोंग करता हूँ। तो हम दोनों ने उस कल्चर को करीब से देखा है, तो उसमें रहते हुए मैंने ओवरऑल इतनी यूनिवर्सल एक स्क्रीन डेवलप करने की कोशिश की कि वहाज के कैरेक्टर को भी हमने शॉल दिया, उसको आपने देखा हमने वाइट जैकेट्स भी दिए, उसको एक शिकारी जैकेट्स भी दिए और उसको डिफरेंट एंगल से हमने रखा कि भाई एक इस तरह का बंदा हो कि जिसको ओवरऑल ऑडियंस एक्सेप्ट करे, ना कि एक स्टीरियोटिपिकल इमेज में। दैट्स ट्रू, ये तो आप सही कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है मीरब से ज़्यादा मुर्तसिम की वार्डरोब चेंजेस हैं, उसकी वार्डरोब में वैरायटी। अब आप कह रहे तो मैं सोच रही हूँ कि वाकई ये सब हमने देखा। हाँ, बहुत। बट आपको पता था कि शॉल इतनी फेमस हो जाएगी, मुर्तसिम और मुर्तसिम की शॉल, वो जो एक एपिसोड थी जिसमें वो शॉल ऐसे लेके जा रहे हैं और सब कुछ, वो कितनी मीम्स बनी। हाँ, उसमें बिल्कुल मीम्स बनी, लेकिन वो हमें नहीं होता। हमने शॉल दी, शॉल थी कैरेक्टर में और बहुत सारी जगहों पर, और नूरा मखदूम ने स्क्रिप्ट में भी लिखी है कि बार बार जब शॉल यूँ करता है तो मीरब को जा लगती है और इस तरह होता है, उस तरह होता है। तो वो शॉल स्क्रिप्ट में रिटन थी। और चूँकि वहाज खुद भी ना एक इंटेलिजेंट एक्टर है और ही एड्स अ लॉट इन हिज कैरेक्टर एंड ही इन्वेस्टेड अ लॉट, इमोशनल एनर्जी भी, मेंटली भी, टेक्निकली भी। तो यमुना एंड वहाज बोथ दे हैव इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर। उन्होंने खुद एक कैरेक्टर आर्क भी बनाया और किस तरीके से चले। तो एक मुझे सीन याद था कि जिसमें ये दोनों एक हॉस्पिटल का आपने सीन देखा होगा कि दे हैव लॉट्स ऑफ आर्गुमेंटिव काइंड ऑफ सीन्स। तो जब मैंने देखा कि यार इतना आर्गुमेंटिव है हर चीज़ पे, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो दे स्टार्ट डूइंग मोर ड्रामा इन इट। तो मैंने कहा यार यमुना एंड वहाज, आई सेपरेटली टॉक टू देम, Why not we get the out drama from out this scene? Okay. कि already scene में drama है, तो हम खुद drama क्यों डालें? Okay. Make it spontaneous. Okay. Don't make the too much drama. और spontaneousness ही ने लोगों को जाके capture किया है। Okay. अगर मैं उसमें drama डाल दूं कि दो लोग लड़ रहे हैं तो वो toxic हो जाता है। बिल्कुल। तो I keep this toxicness out and I keep it really कि एक entertaining हो, romance है, हेट लव रिलेशनशिप भी है और रोमांस भी है और उसके बीच में दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू का तकरार है और उसके बीच में आप रोमांटिक स्टोरी किस तरह फोल्ड अनफोल्ड करेंगे। ये बेसिकली मीरब और मुर्तसिम के इंटरनल जर्नी की कहानी है। मुर्तसिम का कैरेक्टर मैंने भी अपने एक रिव्यू में लिखा था, फिर आपकी भी मैंने एक सुनी वॉइस नोट सुना जिसपे आपने मेंशन किया कि मुर्तसिम रॉबिन हुड की तरह है। तो क्या वाकई ये रेफरेंस स्क्रिप्ट में था या जब आपको आपने पढ़ा मुर्तसिम का कैरेक्टर तो आपने इंस्पिरेशन ली रॉबिन हुड के कैरेक्टर से, या क्या कुछ आप इस पर कहना चाहेंगे? आप उसके फर्स्ट एपिसोड के पहले सीन से अगर आप उस कैरेक्टर को जानना शुरू करें कि जब उसका वो आके कहता है कि वो मलको ने मेरी बेटी मांगी है और वहीं से उसका हाथ पकड़ के सीधा वहाँ पे उसे लेके आता है और फिर वहाँ पे वो अपने हारी के हक में खड़ा होता है, तो वहीं से वो रॉबिन हुड है। तो आपको डे पहले सीन से ही, और फिर जब आपको जब वो कहता है माँ बेगम को कि आपको हक नहीं पहुँचता कि आप मेरी बीवी पे हाथ उठाएं, जब वो माँ के सामने भी खड़ा होता है, तो वो हमेशा, अब आपने हमेशा देखा है वो लोगों के हक पे खड़ा होता है। तो उसका एक ऐसा किरदार है कि वो हक और सच के साथ चलता है और वो अपनी बीवी के साथ भी इंसाफ के साथ ही चल रहा है। लेकिन फ्यूडलिज्म का एलिमेंट तो उसके अंदर है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, वो फ्यूडलिस्ट है, फ्यूडलिज्म का एलिमेंट है, वो गद्दी नशीन है, जानशी है, और मैं इस तरह के लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैं खुद भी एक सेटअप से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमने इस तरह के लोगों को बहुत करीब से देखा है। लेकिन ये स्टीरियोटिपिकल फ्यूडलिस्ट नहीं है। यही हमें लगता है। हाँ, हमने आप वही होता है ना, आप कैरेक्टर बनाते हैं और जो सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकल इमेज चल रहा होता है आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू। तो यार ऐसा भी शख्स हो सकता है। तो इट्स गुड, बैड एंड द अगली, हमेशा यही चलता आया है और यही चलेगा। तो मुर्तसिम का कैरेक्टर फ्यूडलिस्ट है, बट ये इस तरह का नहीं है कि ये लोगों पे जुल्म कर रहा है या इस तरह के, नहीं, जुल्म तो मुझे लगता है वो नहीं करता है फॉर श्योर। हाँ, कभी कभी मीरब के साथ कुछ चीज़ों में ज्यादती कर जाता है मुझे लगता है, बट जुल्म नहीं कर रहा। बट ये बताएं कि उसने जब मज़ार पे मिलते हैं वो, तो वो जब उधर, उससे पहले हमने देखा दोनों के दरमियान बहुत फ्रिक्शन है एंड लेकिन मज़ार पे वो दुआ मांगता है मीरब के लिए, तो वो मीरब के लिए क्यों दुआ मांगता है? उसको मोहब्बत हो चुकी होती है उस वक्त तक, या बिकॉज उसके अंदर अच्छाई है और उसको मीरब का दर्द महसूस हो रहा है इसलिए वो दुआ मांगता है? उसको मीरब का दर्द महसूस हो रहा है और उसको मोहब्बत तो हो ही चुकी है उससे। अच्छा, मुझे लगता है मोहब्बत अभी नहीं हुई थी उसको, मोहब्बत बाद में, क्योंकि अभी तो उन्होंने शादी का भी डिसाइड नहीं किया, बट आप कह रहे हैं कि इससे पहले से उसे मोहब्बत हो चुकी है। देखिए, एक साइकी होती है कि कोई आपको धुतकार दे तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और मुर्तसिम एक पावरिंग इंसान है और उसको कोई इस तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकता। जो पहला सीन है कि तुम मुझे ऐसे निगलेक्ट करके नहीं जाती है, तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकती, कहता रेस्पेक्ट तो मैं तुम्हारी तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट करूं, डिसरेस्पेक्ट तो मैं तुम्हारी तब करूं जब मैं तुम्हारी। तो उसको जो है ना अपने अंदर एक फील हुआ कि यार ये कौन है, आखिर क्या है, क्यों ये मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रही है। मोहब्बत तो सबको आगे जाके होती है, लेकिन वहाँ उसको रियली एक एहसास होता है मज़ार पे कि यार माँ बाप ने उसके ऊपर दरवाज़ा नहीं खोला, उसको अचानक से पता चला है कि उसके माँ बाप ये नहीं कोई और है, तो ही रियली उसको उसका दर्द उसके तो लगता है, उसके दिल के दरवाजे की पहली खिड़की वहीं खुली, बिल्कुल वहीं खुली। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने उसको इग्नोर किया, तो ईगो है मुर्तसिम की कि मैं तो उसको जीत के रहूँगा इसका दिल, क्योंकि ओएसटी की लिरिक्स भी कुछ ऐसे ही हैं, या वाकई मोहब्बत है? वाकई उसको मोहब्बत है मीरब से, बिल्कुल उसके दिल में जो है मीरब के लिए चाह है, लेकिन ईगो भी हर्ट हुई है उसकी। बहुत सारी जगहों पे मीरब ने उसकी ईगो हर्ट की है, लेकिन जहाँ जहाँ उसने उसकी ईगो हर्ट की है वहाँ उस शख्स ने सब्र किया है। ये तो आपने सही बोला है, सीरियसली। हाँ, ये तो आपके दिल से निकली है, बिल्कुल। आप तो मतलब मुर्तसिम की टीम में हैं। हाँ, वो बेचारा सबर कर रहा है वो। और तो व्हाट अबाउट के मुर्तसिम उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है, बोलता है कि ये करो उसको। मीरब के हकूक की क्या बात होगी? वो मीरब के ही हकूक के लिए खड़ा है बेसिकली। वो इस पॉइंट पे खड़ा है कि यार वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, ठीक है, एक बचपन में हमारी शादी तय हो गई थी एक नज़री के तहत और कल्चर के तहत, और वो निभाना है। उस लड़की की रजामंदी के खिलाफ जाके मुझसे शादी हुई है। अब वो उस रजामंदी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो उसको उसके वो नहीं कह उसको वो नहीं ऑन नहीं कर रहा, कहता कि यार जब तक इसके दिल में खुद मेरे लिए मोहब्बत नहीं जागेगी तब तक मेरा इसके ऊपर वो इख्तियार नहीं है, तब तक वो उसके राइट के लिए उसके साथ खड़ा है। लेकिन वो मीरा को ये क्यों कहता है कि बस ये कर लो, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देता है? जैसे गाड़ी में जब बैठा हुआ था तो उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि भाई तुम जाओगी तो हम एक ऐसे एरिया में जा सकते हैं जो हमारी टेरिटरी नहीं है। फिर जब पूरी वो लड़की वाली बात भी हुई, पंचायत में भी गई, फिर उसने अंदर आके उसको पता चला कि ओ मुर्तसिम तो उस लड़की के हक़ में ही काम कर रहा है, तो वो जब मीरब उससे इतनी दफ़ा कह भी चुकी थी तो वो मीरब को बताता क्यों नहीं है कि क्या वजह है? वाई डजंट इजंट इट यार वो मीरब है, कोई पोस्टमैन थोड़ी है नहीं, हर चीज़ बीवी है। देखे, और वो इतने अभी आप कह रहे हैं मुझसे मोहब्बत करता है, वो इतना वो फील करती है उस चीज़ पे, तो या हम देखेंगे मुर्तसिम का। देखिए मुर्तसिम एक फ्यूडलिस्ट आदमी है, सही है, और मुर्तसिम एक अपने उसूल और अपनी गद्दी और अपने कल्चर को लेके चलने वाला इंसान है, उसको सब चीज़ों को साथ लेके चलना है, ठीक है। अब उसने एक चीज़ बता दी मीरब को कि आपने नहीं जाना, दैट्स इट, बस ठीक है। उसने आगे दूसरे काम भी देखने, अब उसको नहीं पता कि पीछे से वो निकल जाएगी तो ड्रामा प्ले है, सही है, हाँ, काम भी देखने मीरब, exactly, आप सब्र करें, हाँ okay. तो अगर वो हर चीज एक्सप्लेन ही करता रहेगा तो बेचारा एक्सप्लेनेशन में फंस जाएगा, तो ड्रामा कहाँ जाएगा? तो हम ड्रामा आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। एग्जैक्टली, तो ड्रामा बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। पर ड्रामे के अलावा भी जो ये इस तरह के लोग होते हैं ना, वो हुक्म सादर लोग होते हैं, तो ये हुक्म सादर, हाँ, वो हर चीज़ के एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो मुर्तसिम की जर्नी देखेंगे, मुर्तसिम में चेंज आएगा ओवर द टाइम, या अब ये मुर्तसिम में तो इतना चेंज आएगा कि उसकी ज़िंदगी बेचारे गरीब की बदल जाएगी, लेकिन वो बहुत आगे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए कि मीरब उसकी ज़िंदगी में और कितने दुख लाती है। हाँ, तो बेचारी मीरब की ज़िंदगी के दुख कोई वैल्यू नहीं रखते यार, मीरब के दुख जो हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखते हैं। मीरब के जो दुख हैं वो उसके सेल्फ क्रिएटेड दुख हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो चीज़ों को खुद से भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि उसके अंदर का जो अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ही उससे उलझ रहा है। वो समटाइम अपने आप से सवाल करती है क्या मुझे मोहब्बत हुई है, समटाइम कहती नहीं हुई, yeah. तो वो अपने अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, अपने अंदर ही एक उलझा हुआ कैरेक्टर है, जिसके सवालों का जवाब उसको खुद नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट आने वाले से अभी नेक्स्ट वीक जो एपिसोड्स आएंगे उसमें एक ऐसा सीन आएगा जिसमें मुर्तसिम मीरब को 100% क्लियर बता देगा व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच जो तजाद है उसका हल क्या है। लेकिन उस हल को मीरब सुनने के बावजूद भी उसकी तरफ वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो होने से बजाय और उलझ जाती है। यस, ओके, लेकिन मीरब के साथ ज्यादती तो हुई है, कहाँ वो लॉ करने जा रही थी, कहाँ वो इतनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी, अब वो बैठ के एक गांव में बैठी हुई है और वो किसी की मर्जी के बगैर बाहर भी नहीं निकल सकती, तो ये ज्यादती नहीं है मीरब के कैरेक्टर के साथ। बिल्कुल, इसके साथ फिर उसके बाद ये कहना कि मीरब खुद अपने लिए सेल्फ क्रिएट करिए प्रॉब्लम्स, तो वो नहीं। वो देखिए ज्यादती एक तरह से तो हुई ना, चलें ठीक है, आपको की शादी ज़बरदस्ती आपकी विल के अगेंस्ट करा दी गई और आपको एक ऐसा हस्बैंड मिला है जो आपके हक़ के लिए भी खड़ा है, आप चाहो तो आप अपनी सारी दूसरी बातें अच्छे तरीके से भी मनवा सकते हो, लेकिन यहाँ के आप खुद जो है कॉन्फ्लिक्टिंग जो है ना सेकंड पार्टी बन के आप गेम खेलो। बट हम हर बार औरत से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे और वो एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को? नहीं, औरत से क्यों आप इसमें देखें मुर्तसिम क्या कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, हर चीज़ तो वो कर रहा है, हर चीज़ के लिए वो अपनी, बल्कि आपने वो डायलॉग नहीं सुना कि किस दिन ऐसा ना हो कि फिर मेरे कंधे इसका बोझ ना उठा सके तो फिर मुझसे तुम वो नहीं करना, उस वक्त तुम्हारा क्या? तो मुर्तसिम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें इतना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कुछ कर रहा है उसके लिए, पर मीरब को मुर्तसिम का वो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसको खुद से जो है ना अभी ओपन अप नहीं कर पा रही कि मैं कैसे उसको बोल दूं कि हाँ बस सब सही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सब कुछ सही होगा जब इंसान कोई ठोकर खाता है, जब उसको पता चलता है कि यार मैंने क्या गलत किया, क्या खो दिया। तो मीरब अपने राइट्स के लिए खड़े होने के लिए ठोकर खाएगी, उसको सज़ा मिलेगी? नहीं, मीरब को भी सज़ा नहीं मिलेगी, मीरब बल्कि उल्टा मुर्तसिम को सज़ा देगी। ओह ओके मैं भी मुर्तसिम के साथ हूँ, ये ना समझे मुझे भी अफसोस होता है, मैं भी मुर्तसिम के लिए फ़ील करती हूँ। अच्छा, तो मीरब का राइज देखेंगे हम, मीरब का भी एक जर्नी होगा, क्योंकि अब तक हम होप ये कर रहे थे, अभी तक जितनी एपिसोड्स हुई हैं जिस तरह का मीरब का कैरेक्टर दिखाया था कि इवेंचुअली मीरब जो है वो खड़ी होगी, लेकिन अब तक मीरब खड़ी होकर बैठ जाती है और मुर्तसिम ही हमेशा जीत रहा होता है। तो आगे जाके क्या ऐसा कुछ होगा जहाँ हम मीरब की भी कुछ जीत देखेंगे? मीरब का जो फर्स्ट एपिसोड में जो उसका पहला सीन जो ऑडियंस ने देखा है जी, आप समझे कि वो उसका जो पहला सीन है वो पहला सीन ही थ्रू आउट उसके कैरेक्टर को लेके चल रहा है। नहीं, अभी तक नहीं लगता मुझे। हाँ, अभी तक आपको नहीं लग रहा, लेकिन आगे चल के आपको लगेगा कि उसके अंदर एक ऐसी किरदार बसता है कि वो किसी और को दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहता, वो दूसरों के राइट्स पे खड़ा होना चाहता है और वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देखना चाहता और उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी हो गई, मेरे साथ ही गलत हो गया, तो उसको मैं किस तरीके से बेटर करूं। तो यही उस कैरेक्टर की जो है जर्नी है, इन्हीं जर्नी में जब वो फंसेगी आगे चल के कुछ और इस तरह की चीज़ों में आएगी। इवन अभी आपने जो लास्ट एपिसोड में देखा, वो नायला एक लड़की के लिए वो जर्गे में आगे खड़ी हो जाती है कि मुर्तसिम ये गलत है, ये मैं नहीं होने दूंगी। तो सेम अगेन द फर्स्ट सीन एंड दिस सीन, यू कैन कनेक्ट इट। बिल्कुल सही। तो उस कैरेक्टर का अभी आपने कोई सर्किल इतना चेंज नहीं होते देखा, वो पहले सीन में जिस तरह था वो अभी तक वैसा ही है। गो के वो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स हो गया है लेकिन उसके अंदर इसी तरह की ही चीजें, बेसिक जो उसका साइकी है वो यही है, वो यही है। तो अभी आप ऑफ कैमरा जब हमने स्टार्ट नहीं किया था तो आप बता रहे थे कि आप अक्सर जब सीन शूट कर रहे होते तो गाने लगा देते थे ताकि सब लोग उस माहौल में आ जाए, मूड में आ जाए। तो कौन से गाने लगाते हैं आप? मोस्टली डिफरेंट जगहों पे, जैसे ये था जब मुर्तसिम मीरब को देखता है और देखते ही रहता है तो फिर मैंने लगा दिया खूबसूरत है इतना तू, अच्छा रहा नहीं जाता, चांद में भी दाग है मगर। तो वो इमोशन बढ़ता है और कैरेक्टर्स का भी इमोशन बढ़ता है। हर मेरा तो इस तरह ही स्टाइल है क्योंकि बेसिकली आपको जो इमोशन है, आपको इमोशन चाहिए होता है ऑडियंस के दिल में घर करने के लिए और हमारी ऑडियंस को फैंटिसाइज करना होता है और फैंटिसाइज करने के लिए दे लव म्यूजिक, दे लव इमोशंस। बिल्कुल, आई थिंक इतनी कमी है हमारे ड्रामा में रोमांस की और रोमांटिक इस तरह के कनेक्शन की कि जब हम मीरब और मुर्तसिम को देखते हैं और थोड़ा सा उन दोनों को, जैसे आपने बोला टॉम एंड जेरी वाला वो खिंचाव भी है, लव है, तो वो हमें बड़ा मज़ा आता है देखकर और हम कहते हैं अच्छा यार। फिर कुछ सीन्स में मुर्तसिम के डायलॉग बड़े अच्छे होते हैं, फिर हम देखते हैं कि मीरब भी आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल तो पिघल रहा है, उसके दिल में जगह तो बन रही है मुर्तसिम के लिए। तो कोई कौन सा सीन आप बहुत एक्साइटेड थे शूट करने के लिए जो आपको वो आ गया है या भी आएगा? यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सीन तो मोस्टली इनके बेडरूम्स के जो सीन्स हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं ओवरऑल सीरियल के, क्योंकि जो जितने इनके बेडरूम के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग सीन्स हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ के, वो बहुत इंटरेस्टिंग ही थे। और उसमें जो इनका एक टॉम एंड जेरी जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो फाइट सीन जो इस तरह के आते हैं और इतना लवेबल प्लेड है, जैसे वो आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुबह शादी से नेक्स्ट डे वो ड्रेसिंग टेबल में बैठी हुई होती है कि तुम रात भर कहाँ थे, कहता तुम्हें क्यों बताऊँ, कहता बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कहता अच्छा मानती हो दुनिया के सामने, कहते हाँ, कहता वो जो पेपर तुमने साइन किया वो दिखाऊँ सबको। तो दिस काइंड ऑफ वन टू काइंड ऑफ डायलॉग, तो दीज सीन्स रियली आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड टू डू इट। और जो दूसरा सीन जिसको मैंने पढ़ते ही बहुत इमेजिनेट कर लिया था वो था मीरब का वलीमे वाला सीन जिसमें उसने डांस किया। तो जब ये मैंने सीन पढ़ा और उसके लिए जब इस पूरे कल्चर और सारे सेटअप को सोचा तो आई पर्सनली वेंट टू माय प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला साहब एंड असद कुरैशी और कि मुझे इसके लिए एक अलग से सॉन्ग चाहिए। तो आई कॉन्टेक्टेड दिस गर्ल, ये निर्मला मेघानी, शी इज़ अ सिंगर, फोक सिंगर। तो जब उनका फर्स्ट टाइम गाना उन्होंने सुनाया, असद भाई ने भी ओके किया, कहता बहुत अच्छा है। फिर हमने ये गाना प्रॉप सिर्फ इस एक सीन के लिए डिज़ाइन किया और इसके लिए पूरा कोरियोग्राफ किया, क्योंकि ये मुझे इस सीन से हम ये बता सकते हैं कि द व्हाट इज़ एग्जैक्टली द वर्ड ऑफ तेरे बिन। ओके, ठीक है। मीरब जो है क्या है, रिबेलियन है या वो डेफिनेशन ऑफ न्यू मॉडर्न वुमन है? वो रिबेलियन है। रिबेलियन है, ओके। और उसका रिबेलियन ख़त्म होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ख़त्म होगा। हर चीज़ का एक होता है, जब वो हर किरदार अपने कैरेक्टर आर्क से गुज़रता है, अपने जब जर्नी कंप्लीट करता है, जब वो उनसे जब गुज़र के उसको एट द एंड एहसास होता है कि मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, तो वो नज़र आ जाएगा। आपको लगता है स्क्रिप्ट थोड़ा प्रो मुर्तसिम है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है अभी तक के प्रो मुर्तसिम है। कैसे? मुर्तसिम की जीत होती है टॉम एंड जेरी में इस वक्त, मीरब को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जा रही और इक्वल उसकी विन्स भी नहीं हो रही हैं। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल विन ऑफ मीरब सो फार। नो, आई थिंक कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि बेसिकली सोफे पे तो बेचारा गरीब मुर्तसिम सो रहा है। जो तो आप लोगों ने ही करवाया है। जो 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 मीरब बोलती है मुर्तसिम वही करता है। मीरब की ही प्रो मीरब मुर्तसिम नहीं है, मीरब के कहने पे बहुत सारी चीजें वो बेचारा ड्राइव कर रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ही, आने वाले 3 से 4 एपिसोड में ही आप देखेंगे कि वो एक ऐसा डिसीजन मुर्तसिम से करवाएगी जो उसके अपने कल्चर के भी अगेंस्ट है। okay. माँ बेगम बोलती है तुम ऐसा करो, लेकिन वो मीरब के कहने पे कुछ और कर देगा। तो इवन आपने हया के भी डायलॉग दे सुने होंगे कि आपने देखा माँ बेगम जन मुरीद के ये तो बीवी की तरफ हो गया है। वो जब देखो वो मुर्तसिम जो है मीरब की साइड ले रहा है। ये बात आपकी सही कि मीरब का ख्याल रखता है बिल्कुल, और मीरब के साथ बहुत तहम्मुल से भी पेश आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एंड आई थिंक वी लाइक दैट थिंग अबाउट मुर्तसिम। लेकिन जो चीज़ें मुर्तसिम करता है, जैसे ये पूरा अभी नाइला वाला केस हुआ था, तो वो उसको पहले बता सकता था लेकिन उसने नहीं बताया। तो इन द एंड हमने ये देखा कि मीरब जो है वो शर्मिंदा हुई कि वो गलत थी या उसको सही तरह उसने जल्दबाजी की, मुर्तसिम पे ट्रस्ट नहीं किया, मुर्तसिम काइंड ऑफ जीता। देखिए मुर्तसिम एक सेटअप को लेके चल रहा है, वो मीरब का आंसरेबल नहीं है हर चीज़ में। बीवी है उसकी और वो बात कर रही है उससे, तो उससे बताएं। बीवी वो घर पे है, जागीरदारी सिस्टम में तो नहीं है ना, वो तो नस्ल दर नस्ल चलता हुआ एक सेटअप आ रहा है। ठीक है, वो नस्ल दर नस्ल एक सेटअप को चलाता हुआ आ रहा है। वो उसकी वो गद्दी जानशी है वहाँ का, तो उसने तो बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। अब वो सारे डिसीजन क्या मीरब से पूछ के लेगा क्या? ओके, ठीक है। तो फिर प्रो मुर्तसिम हुआ ना स्क्रिप्ट। आपने अपनी बातों में मतलब साबित करवा दिया। लेकिन देखें हर इंसान के देखें एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है प्राइवेट लाइफ। तो जब वो प्राइवेट लाइफ में आता है तो वो मीरब के साथ खड़ा है, जब वो पर्सनल लाइफ में आता है तो वो अपने सिस्टम के साथ खड़ा है। सो मुर्तसिम इज दैट टिपिकल मैन जो कहीं तो बहुत अच्छा भी है लेकिन कहीं कहीं वो कहता है बस ये है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ, इससे आगे मत आना। अभी तो जर्नी देखेंगे हम, वो पूरा दरवाज़ा खोलेगा। अच्छा, मीरब ने जो साइन कराया शादी से पहले, निकाह से पहले, वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है मीरब और मुर्तसिम के दरमियान कि शादी होगी लेकिन कोई फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं होगी दोनों के दरमियान, तो ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो शादी में एज अ वेपन भी यूज़ होती हैं। तो मीरब क्या कर रही है? मीरब क्या इसको वाकई एज अ वेपन यूज़ कर रही है मुर्तसिम से बदला लेने के लिए, मुर्तसिम को मज़ा चखाने के लिए, और शी इज़ डन इट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ? बेसिकली मीरब अपने अंदर में मुर्तसिम के लिए मोहब्बत या मुर्तसिम को एज एन अपना शोहर एक्सेप्ट करने के लिए वो टाइम बाय कर रही है। कि जब आप चाहते हैं ना आप किसी के हमसफर बने तो आपको एक टाइम बाय चाहिए कि हम एक दूसरे को जान लें, हम एक दूसरे को पहचान लें। क्या, क्योंकि वो मुर्तसिम को अपने इतना करीब अभी मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो इट्स टाइम बाइंग गेम। ओके, ये तो कम्प्लीटली आई अंडरस्टैंड कि इतना सडन कोई हो तो यू नीड टाइम, ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जिस ट्रॉमा से टूटी थी, वो जिस हालात में उसे शादी आके की, और जब उसने कहा कि तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है, कि कहता जब मेरे माँ बाप ने मुझ पर दरवाज़ा बंद कर दिया और जब तुमने दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा कि तुम ही हो। तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? कहते वो एक लम्हा चाहिए होता है जो नफरत से मोहब्बत में बदल में, तो ये लम्हा चल रहा है इस कहानी में, वो नफरत से मोहब्बत में बदलने वाला। और मीरब को हो गई है मोहब्बत, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एक्सेप्ट भी इस सेंस में कि उसे लग रहा है कि यार मतलब कि ये एग्जैक्टली ये मुर्तसिम है क्या। हम भी यही सोच रहे हैं ये मुर्तसिम है क्या। हम मीरब के साथ हैं, हम भी कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। लेकिन आपकी इतनी बात वैलिड है कि दो लोग जब इस तरीके से एकदम से किसी इस तरह के रिश्ते में बन जाएं, उनको टाइम चाहिए होता है एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम उसको एक आसान और सीधे तरीके से भी तो कह सकते थे, हमने उसको इतना सेंसेशनल बना के क्यों किया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है और ये हो रहा है because you want ratings. It's a drama. It's a drama. It's a drama and. But then हम ये message नहीं समझ सकते। ड्रामे में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं inside incidents. Okay. Yeah, that's a technique. आप जब first act आप story जब drama structure देखते हैं तो inside incidents always a hook point. ठीक है? तो this is हमारा जाके journey के लिए ये हमारा inside incidents था और इसी से हमने एक hook point capture करना था कि हमने दो लोगों को इस तरह जोड़ दें और फिर उसके बाद फिर ऑडियंस के ऊपर अगर वो उनको एक्सेप्ट करते हैं तो दे विल एंजॉय देयर जर्नी। ठीक है, ये नफरत में कि बर्फ कब पिघलेगी। अब इस बर्फ को पिघलते जो है ना टाइम लगेगा और ऑडियंस हर सीन पे रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल। किडनैपिंग सीन वो ऐसे ही लिखा हुआ था या आपने उसमें कुछ उसको चेंज किया, थोड़ा ज़्यादा ड्रामा किया? किडनैपिंग सीन ऐसे ही लिखा हुआ था। और ये किडनैपिंग सीन काफ़ी लेंदी, बहुत इट वाज एग्जीक्यूटेड सो वेल, मतलब मैं एक जगह भी बोर नहीं हुई, बहुत मज़ा आ रहा था। और आपने बड़ा हमारे साथ ना वो किया कि हम समझते थे अच्छा अब मीरब भाग गई, नहीं फिर वो कुछ फंस जाती थी, फिर हम समझते थे शायद मुर्तसिम कुछ कर रहा है और एंड में उसको उन्होंने किडनैप कर लिया, फिर मुर्तसिम बचा भी लेते हैं उसको हीरोइक अंदाज में। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे आपने हमें इंगेज करके रखा हुआ था। दिस इज द माई जॉब टू इंगेज इन एवरी सीन कि मुझे जो भी सीन हो, रादर से रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर, वॉट एवर द जॉनरा इट इज, सीन का जो भी जॉनरा हो, बट आपको उसके साथ इंसाफ करना होता है कि यू हैव टू रियली डिलीवर द प्रॉपर मैसेज एग्जैक्टली कि द व्हाट द इंफॉर्मेशन इन द फ्रेम यू आर गिविंग टू ऑडियंस, द व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन। तो ये मीरब को अलग से शूट किया गया हमने, फिर मुर्तसिम को अलग शूट किया। और हमें दो दिन मोस्टली लगे इस पूरे सीक्वेंस को शूट करने के लिए। और कोई चीज़ें उसके बारे में डिटेल्स बताएं, कुछ हुआ इंसिडेंट हुआ वो शूट करते हुए, और आपका अपना फेवरेट मोमेंट क्या था उस पूरे सीन में से? यार उसमें हमने जो लास्ट वाला जो जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था इस सीन में, तो वो एक मोमेंट था ना कि जब मुर्तसिम आगे जा रहा हो तो उसे लगता है कि मीरब यहाँ नहीं है, और फिर अचानक से उसको एक कान में आवाज़ आती है, उसके दिल में फील होता है कि वो यहीं, और पीछे वो मुड़ के देखता है। तो दैट वाज ऑलरेडी, जब मैंने पढ़ी थी स्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी ये अपना माइंड बना लिया था कि ये मुझे एक इमोशनल इंटरनल कॉल बनाना है। उसको ऐसा लगे कि जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग होती है ना, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, आपको खुदा ताला आपके दिल में भी आवाज़ लेके आता है और आपको खुद फील भी होता है कि यार वो है, यही है, यही कहीं है। ठीक है, तो उसको वो वाला मोमेंटम वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जब वो पलटता है और फिर मीरब की तरफ देखता है और मीरब वो चिल्ला रही होती है मुर्तसिम, और जाके उसका शॉल उड़ाता है और फिर हाथ पकड़ता है, सबके सामने लेके जाता है। तो दिस वाज रियली। कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ शूट करने में? वाकयात नहीं, सच ऐसा कोई नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथ गया, सब कुछ स्मूथ ही था। कोई फनी चीज भी नहीं हुई, किसी को चोट वोट नहीं लगी? कोई चोटें लगी, चोट तो नहीं लगी, लेकिन हमारे बख्तू साहब भी बहुत थोड़े से थक गए थे। अच्छा। लेकिन माय हीरो वहाज, उसने बहुत एनर्जी दी सीन में क्योंकि उसका भागम दौड़ थी। यमुना ने बहुत एनर्जी दी डिफरेंट जगहों पे, तो हमने सीन टू सीन कोरियोग्राफ इतना अच्छा कर लिया था कि सच कोई इतना इंसिडेंस नहीं हुआ। तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप जब भी शॉट करो कि पहले एक्टर कंफर्टेबल होना चाहिए एंड आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट पे सीन करो, और दैट्स इट। हमारे ड्रामों में यूजुअली रोमांटिक सीन्स भी होते हैं तो हीरो हीरोइन फिजिकली बहुत करीब नहीं आते, लेकिन इस वाले में तो रेस्क्यू के बाद मुर्तसिम पिक्स अप मीरब। नहीं, पिक्स अप कहाँ है? अरे गोद में लेके जाते हैं और उनको लिटाते हैं बिस्तर पे। अच्छा हाँ वो तो वो आप लोगों को कंसर्न था कि ऑडियंस कैसे लेगी, वहाज यमुना कंफर्टेबल थे वो सीन करने में? नो दैट्स थैंक यू यमुना ऑनेस्टली एंड वहाज। यमुना के साथ ना मेरा तीसरा ये प्रोजेक्ट है। हम जब भी कोई ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो बहुत खुद भी ना काफ़ी इंटेलिजेंट है हर चीज़ को लेकर के कि क्या स्क्रीन पे और लगेगा, क्या स्क्रीन पे बेटर लगेगा। हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह डिस्कस करते थे कि ये एस्थेटिकली ठीक नहीं है, ये एस्थेटिकली करेक्ट है, या ये कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल नहीं है। तो उसको खुद भी फील हुआ कि हाँ दिस इज़ एस्थेटिकली करेक्ट। और यमुना एंड वहाज उन दोनों ने अपनी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बना ली एंड आई एम रियली थैंकफुल बोथ ऑफ देम कि उन्होंने बहुत अच्छे से उस सीन को टैकल किया। आई थिंक वो थोड़ा सा बाउंड्रीज को भी आप लोगों ने पुश किया उस सीन के थ्रू। अच्छा, मुर्तज़म और मीरब के कैरेक्टर्स को अगर हम लें तो उन दोनों के दरमियान ही इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना मटीरियल है। तो फिर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ और ऑडियंस भी ये सवाल कर रही होती है कि फिर हमें हया और माँ बेगम जैसे कैरेक्टर्स क्यों चाहिए, इतने टॉक्सिक कैरेक्टर्स हम क्यों रख रहे हैं जब हमारे पास ऑलरेडी इतना ड्रामा हीरो हीरोइन के दरमियान है। यार मतलब ऐसे तो ड्रामा कंप्लीट नहीं होता ना, आपको विलन भी चाहिए होता है, हीरो हीरोइन और फिर विलन। तो यू नीड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्शन। बिल्कुल विलन चाहिए होता है, लेकिन इतने टॉक्सिक और इतने ज़्यादा नेगेटिव। देखिए नेगेटिव कैरेक्टर आपको ड्रामे में को मूव फॉरवर्ड के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बेसिकली जो उसकी जो नीड है, व्हाट द कैरेक्टर वांट एंड व्हाट द कैरेक्टर नीड एंड व्हाट द कैरेक्टर स्टेक्स, ठीक है, दिस इज ऑलवेज फॉर्मूला फॉर द कैरेक्टर। तो नेगेटिव कैरेक्टर की जो वांट है वो फिल नहीं हो रही, तो फिर वो नीड के लिए जो ना ड्रामा क्रिएट कर रहा है तो वो ड्रामा क्रिएट करेगा, और उसके स्टेक्स यही लगे हुए हैं कि वो जो चाह रहा है अगर वो उसको नहीं मिली तो फिर वो मीरब की भी ज़िंदगी ख़राब करने के चक्कर में कभी क्या कभी क्या। तो दिस इज़ द हयाज कैरेक्टर। तो जब आपने सबीना को लिया इस कैरेक्टर के लिए तो आपके जहन में था कि आप उनको थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्ट करें या उनकी पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर उनके थ्रू एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि उन्होंने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं लेकिन इसमें मुझे वो थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं। एग्जैक्टली वो खुद भी मुझे कह रहे थे सिराज भाई मैंने इस तरह का कभी रोल किया नहीं है और आप जो बोल रहे हैं मैं कर रही हूँ, अच्छा ये है। और वो खुद भी बहुत सारी जगहों पे ना अनकंफर्टेबल हो जाती थी कि अच्छा हया ये भी कर सकती है, हाय अल्लाह हया ये भी, मेरी अम्मी देखेंगी तो क्या बोलेंगी। मैं क्या यार देखो बेटा आपका ये रोल है, आपको अपना रोल करना है। कहती अच्छा, तो फिर वो बहुत सारी जगह कहते कि आपने मुझे हया बना ही दिया। तो उसको काफ़ी टाइम लगा इस कैरेक्टर में आने में। पहले हर कैरेक्टर को लगता है तो काफ़ी उसको थोड़ा बहुत करते 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 टाइम लगा, लेकिन उसने थैंक्स अगेन सबीना ने भी बहुत अच्छा अपना रोल निभाया है और अपने कैरेक्टर में वो बिल्कुल प्रॉपर जच गई और उसने अपना कैरेक्टर की जर्नी को भी बना लिया और इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि आई रियली अब हमें ना हया की बातों का जैसे आपको मेरे राज़ ए उल्फत की सहबा याद होगी, तो सहबा का भी रोल ऐसे ही बनाया। तो सहबा आपने भी तब भी आपने मुझसे सवाल किया क्यों सहबा, तो ये वाले कैरेक्टर ना आई ऑलवेज एंजॉय अ लॉट, क्योंकि बेसिकली इनके लिए ना करने के लिए बहुत मार्जिन होता है। They have lots of things to do. They have a drama. Sometimes they do funny things. Sometimes they lose. Sometimes they win. So these always a driving force to push your plot move forward. Okay. हया की अपनी एक दुनिया है और हम अब वेट कर रहे होते हैं कि हया अब क्या एंगल निकालेगी। हया का मोनोलॉग चल रहा होता है और बड़ा मज़ा आता है कि एक सिचुएशन है और हया आती है और हया फिर अपना कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही होती है और सब जो होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं कि ये हया अब क्या कह रही है। हया विलन है बड़ी या माँ बेगम ज्यादा बड़ी विलन है? माँ बेगम तो आपको लग रहा है विलन है? बिल्कुल। अच्छा चलें, आपको लग रहा होगा। देखिए माँ बेगम का किरदार एक सेटअप है। वो एक सेटअप को रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपने कल्चरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है और वो एक रवायात से जुड़ी हुई एक औरत है। वो अपने रवायात को लेके चल रही है, उसको पता है कि उसने अपने घर में कितनी आज़ादी देनी है, कितनी आज़ादी नहीं देनी, किस चीज़ की आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी नहीं है। तो वो अपने सेटअप को एज एन अ वॉल उसको प्रोटेक्ट कर रही है और मीरब उस सेटअप को चैलेंज कर रही है। तो दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। थप्पड़ पे आते हैं। फाइनल डिसीजन कौन लेता है कि इस वाले सीन में थप्पड़ होना चाहिए या नहीं चाहिए? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, किसका होता है डिसीजन? सारे मिलके, मतलब मोस्टली तो राइटर, पहली बात तो राइटर ही का लिखा हुआ होता है, तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है, तो सबसे पहला तो स्क्रिप्ट से ही आता है। और फिर एक्टर के भी देखते हैं कि कंफर्टेबल है कि नहीं है, और इवन हम उस सीन को काफ़ी तरह से कोरियोग्राफ भी किया। यमुना और वहाज वाज अगेंस्ट के नहीं होना चाहिए, यमुना सेट के होना चाहिए, मैं कह रहा था पता नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अब मेरे पास उसका दूसरा भी ऑप्शन था कि यही सिचुएशन हम किसी और तरीके से भी इसको हम अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये थप्पड़ बेसिकली यमुना पे नहीं, वो मुर्तसिम के दिल पे लगा है। जब वो उसके बाहों में फॉलिन होती है और जिस तरीके से उसे देखता रहता है, कि बेसिकली ये वो लम्हा होता है जिस लम्हे मुर्तसिम को रियल में जो है मीरब से प्यार हो जाता है। वो इस लम्हे अपना दिल हार बैठता है और उसके नेक्स्ट सीन में ही उसने जाके बोल दिया कि मैंने आज तक किसी को फिजिकली अब्यूज़ नहीं किया, मुझसे ये क्या गलती हुई है, और इस तरह का। और मुर्तसिम इस तरह का कैरेक्टर है भी नहीं, तो पहले सीन में ही आपने देखा कि वो किसी और की बेटी के हक में जाके वो मलकों के जाके वो बैठ गया, तो अपने घर की औरत के साथ ऐसा कैसे करेगा? तो मसला इसीलिए लगता है हमें कि जब हम एक कैरेक्टर दिखाते हैं, जैसे आपने कहा कि मुर्तसिम ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया, उसका कैरेक्टर भी वैसा नहीं है, और बाद में भी अभी तक वो कितने तहम्मुल से पेश आ रहा है, फिर वो एक थप्पड़ की क्या ज़रूरत थी? हम उसके बगैर क्यों नहीं ड्रामा आगे लेके जा सकते थे? हो सकता था ऐसे, या फिर हम ऑनेस्टली ये कह रहे हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि लोग बात करें ड्रामे के बारे में, तो इसलिए हम थप्पड़ कभी-कभी डाल देते हैं। आपको लगता है थप्पड़ों वप्पड़ों से क्या लोग बातें करते हैं? वो सीन पे तो बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन हुई। उस सीन के बाद ही तो देयर वर टू साइड्स, एंड काफी ज्यादा उससे भी व्यूअरशिप आई, रेटिंग आई, कॉन्वर्सेशन हुई। अच्छा, उससे रेटिंग आती है, व्यूअरशिप भी आती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। मैं तो एक्चुअली हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक्चुअली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि, और आपको लगता है कि नहीं, तो बिकॉज आई फील आपका तो इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, आपने इतने किए हैं, तो अगर आप चूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक सॉलिड आपके होगी जहन में, तभी आपने किया होगा ना। ये आई थिंक ऑडियंसेस भी सुनना चाहेंगे कि अगर आप लोग चूज कर रहे होते हैं तो ऐसे तो नहीं कि आप लोग सोचिए चलो यार थप्पड़ डाल देते हैं, कुछ उसके नहीं, ऐसा नहीं होता कि चलो यार थप्पड़ डाल देते हैं। देखिए चीजें एक होता है, मैं कट रही हूं, तो बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतने डिफरेंट टाइप के आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, एंड हर डायरेक्टर से ही मैं ये क्या पूछना चाहती हूँ कि फिर हमारे ड्रामों में थप्पड़ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? दुनिया के हर ड्रामों में रेलिवेंस कभी कभी नहीं लगती है। हाँ, आपको अब जैसे अगर मुर्तसिम ने किडनैपर्स को कुटाई भी कर रहा होता ना वो, तो वी वुड लाइक एक नहीं 10 थप्पड़ भी मारता तो हम कहते हैं यस करना चाहिए, बट या फिर हम मुर्तसिम को एक हैबिचुअल अब्यूज़र दिखा रहे होते तो फिर भी हमें शायद समझ आ रही होती। अब भी हमें लगा कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू एकदम से मुर्तसिम ने कुछ हरकत की जो वी वर क्वेश्चनिंग की ज़रूरत, और हमें मुर्तसिम पसंद है, आई थिंक दुख ज़्यादा इस बात का था, वी डिडंट वांट टू सी हिम डूइंग दैट, आई थिंक इसलिए शायद ज़्यादा हमें हुआ। कभी कभी इंसान से ना चाहते हुए भी कई ऐसे कदम उठ जाते हैं जैसा वो नहीं होता, और मुर्तसिम से उस लम्हे में वो ऐसा कदम उठ गया, और उसके फ़ौरन बाद ही उसको एहसास हुआ कि उससे बहुत कुछ गलत हो गया। फिर थ्रू आउट आप देखेंगे वो मीरब के ही साइड पे खड़ा है, उसी को ही हैंडल कर रहा है, इवन माँ बेगम को भी काउंटर कर रहा है कि आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप मेरी बीवी पे हाथ उठाएं। तो इंसान पे कभी कभार ऐसे लम्हे आते हैं जिसको वो ना चाहते हुए भी उससे वो ऐसा कदम उठ जाता है। वो एक मोमेंटरी स्लिप था, हाँ वो एक मोमेंटरी स्लिप था, क्योंकि मुर्तसिम एक गद्दी नशी है, अपने एक सेटअप को लेके चल रहा है, उसकी एक इज्जत है, उसकी एक रेस्पेक्ट है, वो सब कुछ है, और वो उसके नाम हो चुकी है, और वो सब को छोड़ के, सब पूरे घर को छोड़ के वो वहाँ से फरार हो रही है, और वो सब फरार होने के बाद उसकी क्या इज्जत रह जाती है, और उसको धक्के दे रही है बेगैरत इंसान में, तुम्हारे मैं यहाँ से जाऊँगी और तुम्हारे मुँह पर थप्पड़ मार के जाऊँगी। तो उससे वो नादानस्तगी में, उस रिएक्शन में, वो गलती में उससे वो हाथ उड़ जाता है, जिसको वो फिर सारी पूरे सीरियल में उसी नदामत में, उसी की सपोर्ट में गुजार रहा है। तो यही आपको राज तेरे बिन में देखने को मिलेगा। और फिर सिराज साहब का दिल जो है ना मुर्तसिम के लिए चला गया। आई लाइक इट, आपकी टोन भी कैसे चीज हो जाती है कि वो फिर पूरी सीरियल जो है उसी दुख में गुजार है। मुर्तसिम साहब आप तो यू हैव अ विनर। अच्छा, ये मैं अपने ऑडियंस ये बता दूं कि अभी जो मैं नेक्स्ट जो ड्रामे जो भी साइन कर रहा हूँ, या जो मेरी प्रोड्यूसर से बात हो रही है, मैंने उनको यही कहा कि यार आप इस तरह के सीन्स होंगे तो हम निकाल देंगे, तो दे आर एग्रीड ऑन इट। थैंक यू सो मच राज, यस थैंक यू सो मच, आई एम रियली ट्रूली थैंकफुल टू यू बिकॉज आपके ड्रामे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत हम लोग इंजॉय करते हैं, हमें मतलब इट गिव्स अस a lot of topics to talk about and subjects जिन पे हम बात कर सकें। अब मुर्तसिम मीरब से रिलेटेड कितनी, और मुझे लगता है वो इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड, हम खुश हैं सुन के कि आपने ये स्टेप लिया है। अच्छा, वहाज और यमुना के साथ पहले भी आपने काम किया हुआ है, ओवर द टाइम क्या चेंज नज़र आ रहा है आपको उनमें एज एक्टर एंड एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो? वहाज एंड यमुना दे बोथ दे आर बोथ आर रियली फैंटेस्टिक आर्टिस्ट यार, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और यमुना के साथ भी मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, वहाज के साथ ये मेरा सेकंड है। और वहाज मेरे फतूर में जब था उसने वहाँ पे भी वो अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया था, फिर मैंने इसका भी रिसेंट वो जो बिछड़ गए में इसकी मैंने एक्टिंग देखी, मुझे उसमें भी इसने बहुत इम्प्रेस किया। इवन यमुना ने प्यार के सदक़े में बहुत अच्छा इम्प्रेस किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की, नो डाउट। फिर अब जब हम ये वाले फिर जो मैंने इसके राज़ ए उल्फत किया यमुना के साथ, यमुना ने वो भी बहुत अच्छा किया। अब आते तेरे बिन, तेरे बिन में ये दोनों बहुत ज़्यादा और मुझे मैच्योर फील हुआ। इवन मुझे वहाज का बहुत ज़्यादा कि यार वो हर सीन में टेक्निकलिटीज़ आर्क सोचता है कि यार इस सीन का प्रॉपर आर्क है क्या, एक आर्क बना लेते हैं, या अगर नहीं बन भी रहा होता तो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यमुना भी ऐसी होती है कि यार मेरे साथ लाइंस कर लो, फिर वो दोनों आपस में सीन बनाते हैं और दोनों का सीन इतना अच्छा बन जाता है। तो दे आर, और दूसरा कि क्योंकि ये पहले आपस में दिल ना उम्मीद तो नहीं भी कर चुके थे तो इनका आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश था, दे नो ईच अदर। तो एक्टर्स के लिए भी अच्छा होता है कि हाउ मच दे नो ईच अदर। तो जब ये सेकंड इस प्रोजेक्ट में आए तो मुझे फिर इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी, तो दे हैव ऑलरेडी रियली वेरी गुड बिल्ड इन केमिस्ट्री। और वो केमिस्ट्री बेसिकली होता ही है कि आप केमिस्ट्री टू कैरेक्टर केमिस्ट्री को पुल आउट करें, और वो उसको इन दोनों ने इन पे उन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट की और वो नज़र आई, और वही केमिस्ट्री आप देखें स्टैंड आउट कर रही है ओवरऑल तेरे बिन में। ये जो इतने सीन्स हैं मुर्तसिम और मीरब के, कि वो मुर्तसिम मीरब को थोड़ा करीब आता है, हाथ इधर रखता है, या वो जो उसने पूल में भी गिरा दिया, ये सीन स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखे हुए थे या आपने इनको एग्जीक्यूशन? नहीं, ये बिल्कुल स्क्रिप्ट में था पूल वाला सीन। ये थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत हमने यमुना वहाज और हमने आपस में जब डिस्कस किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। और वी हैड रियली स्पेंड अ डे, स्पेशली संडे के दिन हमने सिर्फ इसी सीन को रखा, क्योंकि फिर उस बाद में पानी में भीगना ये वो, तो और दोनों ने काफ़ी टाइम दिया इस सीन के लिए और काफ़ी रेस प्रैक्टिस किए, डायलॉग प्रैक्टिस किया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सीन शूट हुआ, तो फिर जाके ये सीन हमने अचीव किया। और थैंक यू यमुना और वहाज के, यमुना मान गई सीन को करने के लिए। और अगेन मैं वही बोलूँगा कि यमुना बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट है, तो हमने इसको रखा कि ये एक ऐसा सीन बने कि फैमिलीज बैठ के आराम से सुकून से इसको देखें और उनको कहीं से भी कुछ भी ऐसा वल्गर फील ना हो। नहीं सर साहब बिल्कुल आए, मैं आपकी इस पे बहुत तारीफ़ करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरा रिव्यू सुना हो तो मैंने उस पर ये कहा था, ये बात कही थी कि वो सीन, और ये मैंने बहुत नोट किया था, क्योंकि जब ख़वातीन पानी में जाती हैं निकलती हैं तो कपड़े कभी इस तरीके से होते हैं या सीन ऐसे होता है कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन आप देखें तो मैंने उस सीन के बारे में किसी से कोई बुरी बात नहीं सुनी, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मैंने सुना, और बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से आप लोगों ने उसको कंडक्ट किया था। एंड द क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज आप एंड इवन माय आर्टिस्ट आल्सो द टीम आल्सो, फर्स्ट आपको एंड देन बाकी सबको माशाल्लाह से कि बहुत अच्छे से पूरी टीम, और वो तमाम टेक्नीशियंस भी जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कपड़े चूज़ किए, जो लाइटिंग कर रहे थे, जो डीओपी, सब लोग यू नो उनको जाता है कि आप सब ने मिलकर बड़े, और हमें अच्छा लगा कि हमें एक सीन देखने को मिला जिसमें हमें कोई भी फजूल बात या इंडिसेंसी नज़र नहीं आई, तो मैं तो उस चीज़ को आपकी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। एंड अच्छा है ना, हम कितना कुछ देख रहे हैं लेकिन हम किसी लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे। देखिए ना, तेरे बिन को इसलिए लोग एंजॉय कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे फ्लेवर मिल रहे हैं आपको, आप बहुत सारे सीन्स आउटडोर भी इंजॉय करते हैं, उसके किडनैपिंग सीन्स इंजॉय करते हैं, उसके वलीमे के सीन, उसके शादी के सीन, उसके पूल के सीन्स, उसके जिरगे के सीन्स, तो दैट्स लॉट्स ऑफ इन डाइनिंग टेबल फॉर यू ऑन तेरे बिन। आप सही कह रहे हैं, वैरायटी बहुत है। Exactly. आपने कहा है तो मैं भी अब सोच रही हूँ कि देयर इज जस्ट सो मच। यू आर राइट। एग्जैक्टली। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हम तेरे बिन वाज रियली वेरी मुश्किल एक सीरियल था। हम एक एक सीन में टाइम लगता था। मेरे एक्टर बहुत सारे में, इवन माय प्रोड्यूसर्स भी मेरे साथ, टेक्नीशियन टीम भी, हम सब लोग थक जाते थे। और मैं खुद भी सोचता था कि यार हम इतना क्यों थक जाते हैं। मेरे एक्टर भी हमने काफ़ी, फिर हमारे बीच में गैप्स भी हमने डाले कि यार बेसिकली वो इतना सो मच इमोशनल टेक्निकल इन्वेस्टमेंट है हर सीन के अंदर, और इतनी मुश्किल सीन्स हैं सारे, उनको वो उस तरीके का अचीव करना, तो वी स्पेंड अ टाइम ऑन इट। एक टाइम लगा है इसके लिए, और ये मुश्किल स्क्रिप्ट थी भी। कितने महीने लगे आप लोगों को इसको शूट करने? हमें 6+ मंथ्स लगे इसको शूट करने में। आई थिंक मेहनत नजर आ रही है। वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। एंड इवन मैं एक बार ऑनेस्टली बताऊं, मेरी द नूरा मखदूम राइटर, शी इज रियली वेरी फ्रेश राइटर, एंड उसका स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले था। गो के बहुत सारी जगहों में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्क्रीन लिखा था। मैं पूरा रियली में उसको फॉलो भी नहीं कर सका, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए होती है हर सीन को फॉलो करने के लिए, और एक्टर्स को भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए हर सीन को इतना स्क्रीन प्ले फॉलो करने के लिए। बट शी हैड अ वेरी गुड फ्रेश डायलॉग्स, फ्रेश स्क्रीन प्ले, फ्रेश स्टोरी। तो दिस फ्रेशनेस ऑलवेज आपको जो है ना ऑडियंस की आइज़ को कैप्चर करती है। अच्छा, बहुत सी ऑडियंसेस को लग रहा है कि ये कमेंट आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि एक ड्रामा इंडियन, इस प्यार को क्या नाम दूं, कुछ सीन जो है वो उसके कुछ सीन से बड़े इंस्पायर। यार ये मैंने ड्रामा ना देखा है, मैंने ना सुना है, मुझे तो पता भी नहीं है इस ड्रामे का ना क्या ये है। मैंने भी खुद व्यूज़ में बाद में सुना है, उस प्यार को क्या नाम दूं को इस तरीके से। मैं तो ड्रामे देखता ही नहीं, मैं फिल्में देखता हूँ। ठीक है, और फिल्में भी डिफरेंटली मेरी चॉइस है। तो अगर आपको लगा होगा तो ठीक है, हो सकता है, मगर मुझे ऐसा कोई नहीं फील होता। बट मैं रोमांटिक सीरियल्स में, मैं यश चोपड़ा का बहुत फ़ैन हूँ। मुझे उनका स्टाइल पसंद आता है। The style, the way he shoot the romance always. तो कभी कहीं incorporate करने की कोशिश करते हैं आप? इसमें कहीं किया है? जाहिर है यार, आप जो देखते हैं, आप जो feel करते हैं, जो आपको होता है, आपके काम में नजर भी आता है। ऐसा नहीं है। The depend on the genre. मुझे अभी तक, आज तक जितने भी genres मिले, मुझे romantic ही genres मिलते हैं कि यार ये वाला जब भी कोई करता है वो उसी तरह के मुझे मिलते हैं। लेकिन आप जब मेरे एक्शन सीन्स देख रहे हैं, जो इस तरह के डिफरेंट तरह के सीन्स देख रहे हैं, तो उसमें आपको मेरा वो जॉनरा भी नजर आएगा। ठीक है, तो रोमांटिक जॉनरा मोस्टली रोमांटिक ड्रामा देते हैं, सोशल रोमांटिक ड्रामा, तो आई कैन डू इट अ बेटर वे। नहीं, बहुत अच्छा था। पूल वाला सीन एक ही को में शूट किया आप लोगों ने? हाँ, जाहिर है वो पहले उनको पानी से पहले वाला पार्ट, फिर पानी के बाद वाला पार्ट, तो वी हैड बैक एंड फोर्थ शूट लाइक डिफरेंट वे कि हमने पहले पानी से पहले वाला सारा सीक्वेंस शूट किया, फिर उसके बाद वाले सीक्वेंस को शूट किया। और वो जो छोड़ते हैं, वो एक दफा, वो एक ही दफा छोड़ा था या 2-3 दफा छोड़ा? नहीं, वो एक ही बार हुआ है। एक ही बार हुआ है। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल एक ही बार में हुआ है। वी प्लेस डिफरेंट एंगल, डिफरेंट मल्टीपल कैमरास। यमुना कह रही थी बहुत सर्दी थी, बहुत ठंड थी। हाँ, और पानी बहुत ठंडा था। पानी ठंडा था और सर्दियों में ये सीन आया करने के लिए। मैं तो कह रही हूँ, जब वो वॉक करके जाती है, बिल्कुल वो कपकपा नहीं रही थी, तो कितना उनको वो चाहिए होगा कि शी वॉक्स आउट स्ट्रेट, यू नो, विदाउट शोइंग कि सर्दी लग रही है या कुछ। और जब वहाज भी पानी में थे, तो ठंडा पानी तो लग रहा होगा उनको। यार ये दोनों ने बहुत ज्यादा कॉपरेट किया, ऑन द वे जाके पूरे प्रोजेक्ट में कॉपरेट किया है। खेतों में भागना, इधर उधर। यमुना के आगे भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट वाले सीन नज़र आएंगे, तो दे, और ये वहाज के भी आगे एफर्ट वाले सीन नज़र आएंगे। दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट। सिराज साहब, आपको क्या लगता है, माशाल्लाह से आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना डिफरेंट टाइप की आपने स्टोरीज़ को किया हुआ है, कंटेंट हमारा जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आपको उम्मीद नज़र आ रही है, आपको लग रहा है हम इम्प्रूव कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिप आ रहा है कहीं ना कहीं कंटेंट की क्वालिटी में? आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? कंटेंट की क्वालिटी में चेंज आ सकता है अगर आप और जॉनरास को भी जगह दें। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन कि आप डिफरेंट जॉनरास पे, आप सस्पेंस पे चले जाएं, थ्रिलर पे चले जाएं, मर्डर मिस्ट्री पे चले जाएं, आप और भी तरह की कहानियां लेकर के आएं, जैसे सरे राह भी मैंने जो शुरू किया है, और इस तरह के आप कुछ और प्लॉट्स को एक्सप्लोर करें तो फिर जाके आपको नई कहानियाँ मिलेंगी। जब आप प्लॉट ही नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो, आप एक ही तरह के प्लॉट जॉनरा पे चल रहे कि सोशल रोमांटिक फैमिली ड्रामा, जो चूँकि हमारी अपनी एक ऑडियंस है, सही है, आपको अपनी ऑडियंस को ही, अपनी मार्केट को ही अंडरस्टैंड करके ही स्टोरी डेवलप करनी पड़ती है। प्रोड्यूसर और कंटेंट डिपार्टमेंट, इवन चैनल, ये मेरा डिसीजन नहीं होता, चैनल पे भी लोग थिंक टैंक्स बैठे हुए होते हैं जो रिसर्च करते हैं बाकायदे कि आने वाले पिछले 5 साल में या 1 साल में कौन से ड्रामे हैं जो हिट गए हैं, जिनको बिजनेस मिला है, उनके टॉपिक्स क्या थे, उनको इवन किस किस एज के लोगों ने किस किस टाइम पे देखा और कितनी उसकी टीआरपी दी और कौन सी एज के लोग देख रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से जाके फिर हम ऑडियंस के लिए फिर उस हिसाब से कंटेंट पे नेक्स्ट ईयर के लिए डेवलप होता है। तो हमारी अभी मार्केट चूँकि सोशल रोमांटिक, हमारी मार्केट है ही फैमिली ड्रामे की, तो हम दूसरे तरफ जा नहीं रहे जॉनरे की तरफ। लेकिन जब जब गए हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, जैसे परिजात एक ड्रामा आया अभी बीच में जी। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन फिर वो रुक जाता है कहीं से सुना। बनने की कोशिश की है, हॉरर भी बना है हमारे यहाँ, जियो ने हॉरर भी दिखाया है, लेकिन ये कि आपको नया कंटेंट तभी मिलेगा जब आप नए टॉपिक्स पे जाओगे। तो हम क्यों नहीं जा रहे, जैसे आप कह रहे हैं अगर टीआरपी और रिसर्च की बेसिस पे हम कर रहे हैं, तो इस चक्कर से तो हम कभी निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे बिन की रेटिंग्स आर अमेजिंगली हाई। सो नेक्स्ट 2 ईयर्स तो फिर प्रोजेक्ट सारे तेरे बिन जैसे ही बनेंगे। देन ये तो वो एग एंड चिकन वाला चक्कर हो गया कि कौन पहले आया। तो हम क्या करेंगे कि ऑडियंस को हम देंगे तो ऑडियंस चेंज होगी, वरना ऑडियंस खुद कैसे चेंज होगी? देखिए, ऑडियंस के पास चॉइस है, उनके पास दूसरे ऑल्टरनेट चॉइसेस भी हैं कंटेंट देखने के लिए, वो वहाँ देखते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो ऑल्टरनेट प्लॉट्स पे अभी, लेकिन मैं आपको बताऊँ अभी काम शुरू हो भी गया है। अभी हम शॉर्ट जॉनरा पे काम शुरू कर दिया है, जैसे 4 एपिसोड 6 एपिसोड में डिफरेंट जॉनरा लेके आ रहे हैं। अब नए हर चैनल ने शुरू कर दिया है कि आई थिंक ये एक नया टेस्ट एंड ट्रायल शुरू हो रहा है कि हम ऑडियंस को ये पहले छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ 4 एपिसोड 6 एपिसोड में हम डिफरेंट प्लॉट्स स्टोरी टेल करके देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है। फिर उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि अगर बेटर रेस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली हम इस तरह की कहानियाँ बनाना शुरू करेंगे। इतना हिट प्रोजेक्ट जा रहा है माशाल्लाह से, एंड आई थिंक हम इसको आगे ही बढ़ता हुआ देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। कोई एक मैसेज आप देना चाहें, किसी को मेंशन करना चाहें स्पेशल, एनीथिंग फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द एंटायर टीम? यस, आई कैन डेफिनेटली। तेरे बिन एक मैजिक क्रिएट हुआ है, और कोई भी मैजिक अकेले से नहीं क्रिएट होता, इसके पीछे पूरी एक टीम होती है, लोग होते हैं जो आपके ख्वाब को, आपके सपने को सच कर साबित दिखाते हैं। तो ये जियो को क्रेडिट जाता है, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी को स्पेशली। और जो आपने जो पहला सवाल किया ना कि आपकी प्रमोशन इतनी शानदार है, क्योंकि प्रमोशन आई रियली appreciate Abdullah Kadwani and Asad Qureshi, they are really very good in promotions, they know कि एक प्रोजेक्ट को किस तरह लॉन्च किया जाता है, किस तरह उसको प्रमोट किया जाता है, और उसकी वो कौन सी पल्स है जो आप ऑडियंस के सामने, हम तो बहुत ज़्यादा बल्क में शूट करके लेके आते हैं ना, हाँ। तो उसमें से चूज करके, सही बात है, हाँ। कि वो कौन सी पल्स है जो आप, वो कौन सा इमोशन है जो आप निकाल के ऑडियंस के सामने रखें और ऑडियंस उसको कैच करे। इट्स ऑलवेज आप बॉल फेंकते हैं और सामने वाला से कैच करें। और इम्पोर्टेंटली द कंटेंट क्रिएशन, जब तक कहानी अच्छी नहीं होगी ना, पेपर पे अच्छा नहीं लिखा होगा, कोई कितनी एक्टिंग ही अच्छी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा हम मेहनत कर लें, कितना भी कुछ उसमें पैसे लगा लें, कितना भी अच्छा लाइट कर लें, कंटेंट ऑलवेज किंग। तो कंटेंट क्रिएशन में राइटर मेहरसाद मुस्तकीम जिन्होंने कंटेंट लिखवाया, उनके साथ दिन रात लगाए और उन्होंने मुझे ये कंटेंट दिया। एंड फ्रॉम डे वन जो उनका एक कंटेंट को पूरा लेके जो कन्विक्शन था, जिस सीन पे भी हमें होता था कि यार ये सीन ऐसे नहीं होना चाहिए, मीरब को भी मुर्तसिम को भी जब होता था तो मेरी से ही कांटेक्ट करते थे कि यार इस सीन को क्या, इस सीन का क्यों, और उसके बाद आंसर होता था कि व्हाई दिस सीन और इस सीन का क्यों ऐसा होना ज़रूरी है। और आप बीटीएस में भी देखेंगे कि शी इज़ विद अस ऑन सेट और बहुत सारी जगहों पे भी। तो नूरा मखदूम शी इज़ रियली राइटर एंड मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक नया राइटर मिला है जो आपको एक नई फ्रेश जर्नी और फ्रेश कहानियाँ दे रहा है। क्योंकि मैं तो आप 22 साल से ड्रामे बना रहा हूँ और बहुत राइटर्स के ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, बहुत सारे राइटर्स के। तो जब भी कोई एक नया राइटर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक नई फ्रेश ब्रीथ आई है। सही बात। जब तक राइटर अच्छा नहीं होगा हम सब ऐसी तीर मारते रहेंगे। और हमें चाहिए नए राइटर। एग्जैक्टली, हमें अच्छे नए राइटर्स चाहिए और नए राइटर की बहुत सख्त ज़रूरत है। और बाकी मेरे डायरेक्टर फोटोग्राफी, हमारे एडिटर्स, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स शानी अरशद, उनके साथ मेरा एक बहुत बड़ा काफ़ी साथ रहा है। और इवन मेरे जो लिरिक्स राइटर हैं साबिर ज़फ़र, इन्होंने मेरे पिछले फितूर का भी लिखा था, राज़ ए उल्फत का भी। दे इज़ अ ब्रिलियंट शायर, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। और ओएसटी के बारे में बिल्कुल मैं ओएसटी का ही पूछ रही थी कि आपने क्या गाइडलाइन दी थी उनको, बिकॉज आई नो कि आप ओएसटी में बड़े इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने कुछ दिया था या बस साबिर साहब ने खुद लिखा या क्या? अच्छा, इस बार मैं ना शूट में बहुत बिजी था और शूट क्योंकि बहुत हेक्टिक था तो मैं शूट पे इतना बिजी था कि इस बार ओएसटी का ना सारा मेरे प्रोड्यूसर असद कुरैशी साहब, अच्छा, उन्होंने ही, क्योंकि अब उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी कि हमें एक ऐसा एग्रेसिव लव रोमांस, हेट लव रोमांस रिलेशनशिप का गाना चाहिए। तो उन्होंने डेवलप किया ये सॉन्ग। फिर जब मुझे सुनाया और हम सबको, तो आई रियली सरप्राइज के गाना तो बहुत अच्छा है, बहुत हिट जा रहा है माशाल्लाह। और शानी अरशद से मेरी भी इंटरेक्शन हुआ, फिर उन्होंने उनसे मेरी भी डिस्कशन हुई कि हाँ यार हमें इस तरह का ही गाना चाहिए। तो मैं, क्योंकि डे नाइट हमारी शूट इतनी हेक्टिक थी और लॉन्चिंग भी करीब आ गई थी, तो दिस इज़ जर्नी ऑफ OST एंड जर्नी ऑफ तेरे बिन सो फार। थैंक यू सो मच फॉर यू। अरे आपने हमें कुछ गाना ना सुनाना था, गाना थोड़ा सा गुनगुनाना था आपने। पाकिस्तानी फिल्म का मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। और कौन सा वाला है? मैं एक गाना तो वहीद मुराद साहब का बहुत पुराना सा है और मुझे उस गाने में ना एक कोई कहानी दिखती है, कोई मिस्ट्री दिखती है। और अच्छा। मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म भी उसी गाने के ऊपर ही बेस करके लिखी है। ओके। और वो गाना कुछ इस तरह है कि रात चली है झूम के, बाहों को तेरे झूम के, आ भी जा रात चली है झूम के, राहों को तेरे चूम के, आ भी जा। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई वुड लाइक टू सी कि इस पे आपने क्या कहानी लिखी है। आई वुड बी अच्छा, उस कहानी का नाम भी यही है, रात चली है झूम के। झूम के। आजकल कौन है वहीद मुराद आपके मुताबिक? जिसे पोटेंशियल लग रहा है वहीद मुराद बनने का। और लाइक सो वहीद मुराद इज अ रिप्रेजेंटेशन के सिंबल है ना, नो डाउट, हीरो या टैलेंट या टॉप। तो उस तरीके से कौन लगता है आपको? दो तीन नाम जिसकी आंखें एक्सप्रेस करें। ओके, ये की है आंखें एक्सप्रेस, जिसकी आंखें एक्सप्रेस। आप वहीद मुराद साहब की देखें, आंखें एक्सप्रेस करती थी। ठीक है, जिसकी आंखें एक्सप्रेस करें और जिसको देख के लड़कियां बोले कि यार ये मेरा हस्बैंड हो, इससे मेरा कुछ हो। अच्छा, अब ये वाली दो तीन चीजें होती हैं। अब ये आंखों वाली परफॉर्मेंस में तो मैं अब ये आई विल आल्सो ट्राई टू नोट जब मैं कोई परफॉर्मेंस करूँ कि आंखें कितनी इस्तेमाल हो रही है, किस एक्टर की कितनी आंखें बोल रही हैं, ये कितने एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। गेम ही सारी आंखों की है, आंखों से ही आपको सारी जो है होती है। इवन मैं ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स भी सुनता रहता हूँ, एक्टिंग के ऑनलाइन कोर्सेज भी करता रहता हूँ। आप अभी तक करते हैं? अभी तक करता हूं। सीरियसली? हाँ, अभी भी मैं। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। यस, अभी भी मैं। बिकॉज आप तो खुद एक इंस्टीट्यूशन है आपका, तो अपना इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। नहीं, मैं अभी भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से NYU से जो है एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, जिससे मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है और ख़ुद भी मतलब रोज़ पढ़ता हूँ। ज़्यादा बड़ी अच्छी बात आपने शेयर की है। मतलब मैं तो आज ये सीखूँ कि हमें हर वक्त सीखते रहना चाहिए, हम कभी रुकना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, अभी भी मैं अमेरिका गया था अभी लास्ट टाइम, तो अभी मैंने अनरियल इंजन पे वर्कशॉप किया कि आपके पास अगर कोई सेट ना हो, आप अनरियल इंजन पे किस तरह से वर्चुअल सेट्स बना सकते हैं, उस पर भी मैंने रिसेंटली वर्कशॉप किया। इवन वहाँ मैंने स्टोरी स्ट्रक्चर पे भी वर्कशॉप किया। अभी मैंने गोयते इंस्टीट्यूट के वर्कशॉप्स किए कि हाउ द नेटफ्लिक्स एपिसोड ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, वो भी मैंने किया रिसेंटली। तो इस तरह तो यू हैव टू बी ओपन ऑल टाइम। इवन सिनेमाटोग्राफी की किताबें पढ़ना, फिल्म मेकिंग की किताबें पढ़ना, और इवन मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी बाय करता हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड एंड मैंने आज आपसे ये बात सीखी है कि मे बी आई शुड ऑल्सो ट्राई टू लर्न फ्यू थिंग्स। आप किन नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? कुछ अपने स्टार्ट कर दिया? अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं किया, अभी तो देख रहे हैं क्या करना है, कैसे। अभी तो कुछ भी लुकिंग फॉरवर्ड, बट ये कि जब तेरे बिन जैसा हिट मिल जाए तो फिर आप बहुत ज़्यादा कीन हो जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें इतना टाइम दिया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मीरब और मुर्तसिम के कैरेक्टर और स्टोरी के बारे में हमें बताएं। सो शुक्रिया बहुत बहुत आपका इस टाइम का। थैंक यू राबिया, और आपके शो का भी बहुत थैंक यू कि आप लोग किस तरीके से हमारे एपिसोड्स को जो है कीनली देखते हैं और कितना डीपली जाके आप एक एक सीन को रिव्यू करते हैं। आप लोग को भी एक सीरियसली मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस के हमारे टीवी ड्रामे को पहले ना कोई इस तरीके से नहीं देखता था, को हम इस तरह रिएक्शंस भी नहीं आते थे। तो जब से आप लोगों ने इस तरह के शो शुरू किए तो पता चलता है कि अच्छा यार, वी हैव ऑडियंस बट हाउ टू रियली ऑडियंस के पास एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके कैसे जाएं। तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं जो हमको भी बाद में सोचने में मजबूर करते हैं कि यार वाकई शायद हमसे भी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई या इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। दैट्स ऑलवेज रियली वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग अस। आई थिंक मिस्टेक्स की बात नहीं होती, इट्स अ कॉन्वर्सेशन जो हम लोगों, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। हमें मतलब इतनी खुशी होती है जब भी हम देखते हैं एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा करते हुए। Exactly. इसमें इतना दिल खुश होता है, मैं बहुत सच्चे उससे कह रही हूँ कि अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री आगे जाए, हम तो चाहते हैं हर ड्रामा इतने Exactly. रबिया, ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ बहुत मेहनत होती है, हर आदमी मेहनत करता है, हर एक्टर मेहनत करता है, हर प्रोडक्शन हाउस मेहनत करता है, हर चैनल, हर राइटर मेहनत करता है। और वैसे ही डाउन साइजिंग बिजनेस की भी हो जाती है, कभी कोई ड्रामा चलता है, कोई नहीं चलता, जब नहीं चलता किसी को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन सिर्फ रेटिंग के चक्करों में या उसके चक्करों में जो क्रिटिक्स होते हैं वो बस शुरू हो जाते हैं, जी ये था, वो था, उसने ऐसा क्यों कर लिया, ये तो ऐसे होना चाहिए था। भाई आप वो ना उस वक्त मौजूद हैं, ना हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, ना हमारे पास, ना हमारे किसी चैनल ने आज तक किसी इंस्टीट्यूट पर इन्वेस्ट किया है, ना आप टेक्निकल में इतनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी हालात बदल गए हैं, बहुत अच्छे हालात हो गए, अब इक्विपमेंट भी अच्छा हो गया, चीज़ें भी अच्छी हो गई हैं, अब टाइम भी मिलता है, प्रोड्यूसर्स भी टाइम देता है, अब जो जैसा काम करना चाहे वो कर सकता है। उसके लिए वेन्यूज़ ओपन हो गए। लेकिन ये कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी हमें बहुत कुछ आगे जाना है, दुनिया हमसे बहुत आगे जा चुकी है, अभी भी हमारे लिए चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन हम सब एक साथ मिलके ही उन सब चैलेंजेस का मुकाबला करके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ कॉन्वर्सेशन एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। एंड हमें खुशी होती है जब ड्रामा सक्सेसफुल होता है, एंड जब हमें फ्रेश कंटेंट देखने को मिलता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है। और हम मुझे तो वो किडनैपिंग सीन वाला, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई थॉट इट वॉज़ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट टू सी कि एक सीन आपने, बिकॉज रोमांटिक सीन भी होते हैं, उसके मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक्शन और आउटडोर कम हम अपने ड्रामों में देखते हैं इतना। Exactly. वो भी इस तरह का, और उसको इतने अच्छे से ड्रामाटाइज करना कि उसमें ड्रामा है, इमोशन है, उसमें यू नो रोमांस है, उसमें आप ऐसे बैठे हुए क्या होगा क्या होगा, ओ हीरो आ गया। आप अगर मैंने कहा था और अभी भी कह रही हूँ, अगर हम सिनेमा में होते तो जिस वक्त मुर्तसिम मुड़ता है हम सब क्लैप कर रहे होते, लेकिन हम इंडिविजुअली घरों में देख रहे थे तो सब अपने अपने सोफों पर ही खुश हो रहे थे। So the credit goes to you guys, the producers, the entire team, the actors who did so much. Yes, and this is the basically हमें energy actor से ही आती है। Actor आगे से energy है दे रहा है, वो invest कर रहा है emotionally भी physically भी, तो उसका definitely result आता है और वो फिर screen पे दिखता है। और we have really very good talented actors और हमारे तो कुछ actors कुछ क्या बहुत तकरीबन हमारे actors में इतना talent है को इंटरनेशनली भी कॉम्पीट कर सकते हैं। क्या वहाँ उनके लिए ये डिपेंड करता है कि हम कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, हमारी मार्केट उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, हम अपनी इंडस्ट्री को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सब कुछ जो है हमारी मार्केट भी है, लेकिन हम और इसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और कितना अच्छा बना सकते हैं, हम कितना इसको बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं, दिस इज ऑल रिक्वायर्ड मोर हार्ड वर्क। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।